नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। ओमिक्रॉन का जाल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। यूरोप के अधिकांश देश इस नए वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। यूरोपियाई देश कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता में हैं। वहाँ जिस रफ्तार से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये नई लहर है। वहीं नीदरलैंड में क्रिसमस से पहले लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं नीदरलैंड में 14 जनवरी तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां अब स्कूल, कॉलेज, म्यूजियम, पब, डिस्कोटेक और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें क्रिसमस और नए साल पर भीड़ को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन या प्रतिबंध लगा सकती हैं। ब्रिटेन में फिलहाल नाइट क्लब और पार्टियों में जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसराइल ने आज से अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित 10 देशों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालकर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ की सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि लोग इकट्ठा ना हो सकें। इसके अलावा आयरलैंड में पब और बार में रात 8 बजे के बाद एंट्री बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भारत की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 161 हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 6 महीने में पहली बार एक दिन में 100 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। राज्य के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 32, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, गुजरात में 13, केरल में 11, कर्नाटक में 8, उत्तर प्रदेश में 2, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का एक एक मामला सामने आया है। एक्सपर्ट्स बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। पहली चेतावनी IIT कानपुर ने दी कि जनवरी और फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी चेतावनी नीति आयोग ने दी कि अगर तीसरी लहर आई तो देश में रोजाना 14 लाख केस आ सकते हैं, जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा साबित होगा। वहीं तीसरी चेतावनी एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट ने दी कि अगली महामारी और ज़्यादा घातक होगी। जब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक हमें सतर्क रहना होगा। कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की बड़ी भूमिका हो सकती है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ब्रिटेन में सबसे तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में रोज़ कोरोना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 19 दिसंबर को ब्रिटेन में कोरोना के कुल 82,886 मामले सामने आए, जिसमें 12,133 मामले सिर्फ ओमिक्रॉन के थे। अब तक देश में कुल 37,101 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ वास्तविक आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।